जो जो क्वेश्चंस में डाउट है वो पूछ लो मेरे को सॉलिड स्टेट के पार्ट में। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ना पीपीटी में। सर क्वेश्चन नंबर 7 बताओ ना, वो कैलकुलेट करने का पैकिंग इफेक्ट। अरे शेयर नहीं हो रहा है ना, एक मिनट। ठीक है, पैकिंग वाला बताता हूँ। लेकिन ये सिक्स्थ वाला हुआ तुम्हारे बुक में, देखो बहुत सारे डायग्राम दिए टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे तुमको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर और अरेंजमेंट पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो सबको आया इसका क्या अरेंजमेंट है स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का? हाँ बच्चा लोग, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आंसर नहीं बताऊंगा, नहीं ढूंढा है तो ढूंढना है। ये पूरा टेक्स्ट बुक में लाइन से दिया है, हेडिंग है, बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया है, वो सब पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। तुमको सिर्फ अरेंजमेंट पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है। इसका ए बी ए ए टाइप अरेंजमेंट है टू डायमेंशन में, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसका ए बी टाइप अरेंजमेंट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो टेक्स्ट बुक में दिया है बराबर से, ये किया नहीं? हाँ सर है। तो ये थ्री डायमेंशन का क्लोज पैकिंग में दो तरीके हैं, उधर मेंशन्ड है टेक्स्ट बुक में। तुमको सिर्फ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और अरेंजमेंट जानना है। ठीक है, सेवेंथ वाले में ये था ना, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ए एंड आर फॉर एफसीसी एंड बीसीसी। एफसीसी एक्चुअली पोर्शन से निकाला है ना, इसलिए मैंने एफसीसी हटाया था, बट अभी रिवाइज करवाते वक्त अपन एफसीसी भी रिवाइज कर लेंगे। तो चलो हेल्प कर लो फटाफट। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे। तो ये तुम्हारे पास में, अगर मैं यूनिट सेल बनाऊं, तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे। तो ये एफ सी सी, ये बी सी सी, और इवन एफ सी सी भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एफ सी सी। तो हम लोग सबसे पहले तो एटम की बात करेंगे। तो मुझे बताओ इधर एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में इधर कितने हैं और इधर कितने हैं? SCC में 1 है, BCC में बीसीसी में 2 है और एफसीसी में 4 चार। है ना? एफसीसी का पूरा क्या फंडा है? देर आर 8 एटम्स इन द कॉर्नर्स, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1/8 पार्ट टू द यूनिट सेल, बराबर की नहीं? यस देर आर 8 एटम्स इन द कॉर्नर और हर कोई यूनिट सेल में 1/8 पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बीसीसी में तो टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? जेड। देर आर 8 एटम्स, ईच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1/8 पार्ट, तो नंबर ऑफ एटम हो गया 1 एटम। बीसीसी का क्या हो जाता है? बीच में बीसीसी एक में रहता देर है, आर क्या बेटा? एक आइटम बीच में रहता है। बराबर, 8 एटम्स इन द कॉर्नर्स, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1/8, 1/8, एंड देर इज 1 इन द सेंटर ऑल्सो।
इन बॉडी सेंटर्ड पोजीशन, बॉडी सेंटर्ड पोजीशन, तो z इधर आ गया 2। ठीक है, अभी रिलेशन क्या है a और r का, इधर a और r का रिलेशन क्या है यहाँ पे, r is equals to root 3, कौन से वाले में सर पूछ रहे हो, सिंपल क्यूबिक में बेटा, ये एक एटम का सेंटर, ये दूसरे एटम का सेंटर, तो ये एक रेडियस हो गया, ये दूसरा रेडियस हो गया, a is equals to 2r, a is equal to 2r, यहाँ पे क्या रिलेशन था बेटा, रूट थ्री ए, आर इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए, रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर, ये कैसे आया, क्योंकि हम लोगों को पता है बॉडी सेंटर्ड पोजिशन है, तो ये अंदर से जाता है तो टच करता है, मतलब अगर मैं ये पॉइंट पकड़ू, मतलब आगे वाले स्क्वायर का आगे वाला पार्ट और पीछे वाले स्क्वायर का पीछे वाला पार्ट, तो ये डायगोनल विल बी इक्वल टू फोर आर, फोर आर क्यों, ये आर है, ये दो आर है, तो ये टू आर है, और ये एक और आर है, तो ये डायगोनल विल बी इक्वल टू फोर आर, तो ये डायगोनल निकालने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया ये ए बी सी और डी, तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी बी या ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ए सी विल बी इक्वल टू रूट टू ए, रूट टू ए क्यों, क्योंकि ए बी इज ए, ए बी बी सी इज ए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए सी विल बी इक्वल टू रूट टू ए, तो नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, ये तो साइड है ना, तो साइड तो ए होता है, तो ए सी इज रूट टू ए, सी डी इज ए, तो वापस पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ए डी विल बिकम रूट थ्री ए विच इज इक्वल टू फोर आर, तो ये दोनों का इंटर रिलेशन पता होना चाहिए अपने को, अब बस फिर पैकिंग निकालना आसान है। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो फिर अभी क्या पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बेटा आसान है ना, अब अगर मैंने एससीसी के लिए बोला तो एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम 52.4%, परफेक्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, तो सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगा, z इनटू 4/3 πr³, क्योंकि एक क्यूब का पैकिंग एफिशिएंसी, एक क्यूब का वॉल्यूम 4/3 πr³ है, नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे वो, नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो डिपेंड करेगा, एंड क्यूब का एक क्यूब है इनटू 100, तो बस यही फॉर्मूला है हर जगह, तो मैं यहां से और यहां से हटा देता हूं, तो सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी क्या था, नंबर ऑफ एटम्स 1 था 4/3 πr³, और ए और आर का रिलेशन था 2r³ इनटू 100, तो ये आ जाएगा आंसर 52.4%। उसी तरह बीसीसी में क्या था, बीसीसी में रूट थ्री ए इज इक्वल टू 4r और z इज इक्वल टू 2, तो वही अगर मैंने अप्लाई कर दिया पैकिंग एफिशिएंसी में, z इज इक्वल टू 4/3 πr³ अपॉन a क्यूब चाहिए ना, तो a क्यूब विल बी 4r बाय रूट थ्री का क्यूब इनटू 100, तो अगर ये मैंने कर दिया तो पैकिंग एफिशिएंसी आ गया 68%, बराबर कि नहीं, यस सर, ठीक है। अच्छा और क्या क्वेश्चन इसमें बाकी का, किसी में डाउट है, ये आया वेकेंसी इंटरस्टिशियल शॉर्टकी फ्रेंकल
चार पॉइंट छह पॉइंट, मैंने इंटरस्टिशियल में छह पॉइंट इसलिए बोला था क्योंकि इंटरस्टिशियल दो टाइप का था ना, इंटरस्टिशियल दो टाइप का था। अगर तुम टेक्सटबुक में देखोगे तो एक जगह ऐसा था जहां पे एटम अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहा था, और दूसरे जगह पर था जहां पे इंटर दूसरे जगह पे जा रहा था और एक वेकेंसी डिफेक्ट भी क्रिएट हो रहा था, तो इसलिए मैंने छह पॉइंट लिखा था उसमें। क्वेश्चन 10 क्या है, एक्सप्लेन हाउ NaCl शो येलो कलर ऑन हीटिंग। टेक्सटबुक में मिला किसी को ये आंसर? नहीं नहीं मिला, ध्यान से देखा नहीं। नहीं मिला, वही बोल रहा हूँ, ध्यान से देखा नहीं। सर पेज नंबर 20 पे है। हाँ सर 20 पे है। नहीं वो मेरे को टेक्स्ट बुक ही दिखाने का। टेक्सटबुक दिख रहा है तुमको? यस सर। नहीं सर, व्हाट्सएप दिख रहा है। नहीं दिख रहा टेक्सटबुक? व्हाट्सएप का पेज दिख रहा है सर। ओके अभी दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहे हैं। यस सर देखो, this type of defects impart color to the colorless crystal. For example, when NaCl is heated in the atmosphere of sodium vapor, sodium atoms are deposited on the crystal surface. Chloride ion diffuses to the crystal surface, creating vacancies at their regular sites. These chloride ions combine with Na atoms on the surface to form NaCl, और इलेक्ट्रॉन बच जाता है, रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके वजह से कलर इंपार्ट होता है। तुमको पता है ना कलर कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जम मारेगा। बट NaCl में ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन जब तुम उसको हीट करते हो तो NaCl- के साथ में रिएक्ट करता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है जिसको एफ सेंट, और वो एफ सेंटोस में जाके बैठता है। एफ एफ का मतलब होता है फार्बे, विच मींस कलर।
तो दिस इज हाउ कलर मिलता है, तो ये यहाँ पे दिया गया. अंडरस्टूड? समझा ये? यस सर. यस सर. हाँ बोलना बेटा, बोलना. सर बोल के रुक क्यों रही है? ठीक है, फिर इसमें और दो तीन पॉइंट्स थे. ये मिला तुमको एक्सप्लेन मेटल एक्सेस डिफेक्ट यूजिंग अ सूटेबल एग्जांपल एंड हाउ ब्रास इज फॉर्म्ड. ब्रास कैसे बनता है, किन दो मेटल से ब्रास बनता है? कॉपर एंड जिंक. कॉपर एंड जिंक. वेरी गुड. एक्सप्लेन वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इंप्यूरिटीज. क्या एग्जांपल है एलियोवेलेंट इंप्यूरिटी का? क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या दिया था एलियोवेलेंट इंप्यूरिटी का? यार किए हो कि नहीं? NaCl was replaced, was SRCl2 was added to NaCl. ठीक है, तो ये भी तुमको टेक्सटबुक में भी बहुत प्रॉपरली दिख जाएगा, जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया था. यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे भी ये देखो, ये एलियोवेलेंट का नहीं है, ये एलियोवेलेंट नहीं है, ये है एलियोवेलेंट. यहाँ पे भी देखो कैसे हो गया था. NaCl, NaCl का लैटाइस है, इसमें दो Na प्लस गायब है और दो Na प्लस के जगह पे एक Sr2 प्लस आ गया है. तो न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है एटम की, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज मिसिंग थे तो एक प्लस टू आ गया, बट एक वेकेंट साइट क्रिएट हो गया जिसको एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं. समझ आया? एक अलग एटम भी आया, साथ में वैकेंसी भी क्रिएट हो गया. सर 1.9 मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का सॉलिड पूरा नहीं है ना? क्या बेटा? नहीं नहीं, 1.9 वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है ना, वो पूरा का पूरा नहीं है. बैंड थ्योरी और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर छोड़ दोगे ना उसको तो चलेगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट वो है नहीं. बैंड थ्योरी मतलब अगर एंट्रेंस भी कर रहे हो ना साथ साथ में, तो इसमें जो भी टॉपिक काटा गया है उसमें से एसटीसी करना पेशेंट, वरना और कुछ इसमें है नहीं जो कर, मतलब जो काटा गया है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे. ओके सर. अच्छा समसाय करने को इसके सम्स दिए थे ना मैंने सॉल्ड एग्जांपल, लेकिन मैंने सॉल्ड एग्जांपल्स को सॉल्ड एग्जांपल्स की तरह सॉल्व करने नहीं बोला था, मैंने तो वो अलग तरीके से सॉल्व करने बोला था. चलो देख लेते हैं क्या एक बार सॉल्ड एग्जांपल्स डेंसिटी वाले सॉल्ड सम्स करने बोले थे ना मैंने तुमको. यस सर. चलो जब देखो बड़ा हो जाता है. कौन से सॉल्ड एग्जांपल बोले थे मैंने? 1.1 से 1.6 तक. चालू कहां से हो रहा है? ये उधर पेज नंबर 8. इसको कर दो. ये बराबर किया है लोग ने 1.1 को, जैसे करना चाहिए. मैंने क्या बोला था तुमको कैसे करना है? कौन से पेज नंबर पे शालिनी?
हाँ सर एक मिनट, पेज नंबर 14 पे है। काफी डिफरेंट है ना ये। अच्छा ये तो कंपाउंड था। कौन से पेज नंबर पे? नेक्स्ट पे ही है सर। 1.4 दिख रहा है मेरे को। और 1.6 किधर है बेटा? पेज नंबर 16 इसके नेक्स्ट पेज पे। तुमको दिख क्या रहा है स्क्रीन पे? टेक्स्ट बुक की पावर पॉइंट? टेक्स्ट बुक दिख रहा है सर। टेक्स्ट बुक दिख रहा है सर। देखो ये 3.1 है, ठीक है। इसका सम हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक डेंसिटी का फॉर्मूला है तुम्हारा, डेंसिटी इज इक्वल टू, वहां पे पता नहीं किस भी लेटर से दिया हुआ होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड, जेड इनटू एटॉमिक मास अपॉन ए क्यूब। ये जो भी तुम्हारा एज लेंथ है, ए क्यूब इनटू अवोगाड्रोस नंबर, बराबर। जेड इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर दिया है तो जेड क्या होएगा बच्चा लोग? 4 द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर। तो ए दिया है तुमको 408 पिकोमीटर, ये पहले ही ए क्यूब निकाल के रखो। तो ए बिकम्स इक्वल टू 4. देखो पिकोमीटर को ना सेंटीमीटर में लिखना है, क्योंकि डेंसिटी अपने को ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में या तो दिया होगा या तो भूलना होगा, तो याद रखना। तो 408 पिकोमीटर का मतलब 408 into 10 raised to -10 सेंटीमीटर, बट क्योंकि यहाँ पे अवोगाड्रोस नंबर इज 10 raised to 23, तो मैं चाहूंगा कि ये -8 के फॉर्मेट में आए, -8 क्योंकि क्यूब होके -24 हो जाएगा। तो देखो मैं इसको हमेशा कैसे लिखूंगा, 4.08 into 10 raised to minus 8 centimeter. अब मैं चाहिए तो इसका क्यूब भी कर लूंगा इधर ही, तो क्यूब करूंगा तो कैसा, 4.08 का क्यूब into 10 raised to minus 8 का क्यूब और सेंटीमीटर का भी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो लॉग से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तुम लॉग निकालो 4.08 का, तुमको क्यूब निकालना है, फिर इसको इसको 3 से, लॉग को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसका एंटी लॉग निकालो। अगर ये 1/3 होता, क्यूब रूट होता,
तो 1/3 आ जाता है, तो मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ता है, इनटू 10^-24 सेंटीमीटर क्यूब। कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? लॉग 4.08 कितना होता है? लॉग 4.08 होता है 0.6107, इसको करना है इनटू 3, तो आ गया 1.8319 या 8320 भी लिख सकते हैं, तो मैं 1.8320 लिखता हूं। तो एंटी लॉग, लॉग बुक में देख के करना है तुमको, 1.8320 कम्स आउट टू बी 67.92 into 10^-24 सेंटीमीटर क्यूब। कैन आई राइट दिस एज 6.792 into 10^-24 गाइस 23? यस सर। अभी ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ये -23 वो +23 कट जाएगा, तो डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू FCCA, तो 4 इनटू मोलार मास दिया है 197, ये दिया है 6.792 और ये हो जाएगा 6.022, 10^-23 +23 कट गया। यू सॉल्व दिस, यू विल गेट दी डेंसिटी एंड यू विल गेट डेंसिटी इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बराबर बच्चा लोग? हाँ सर। ये डेंसिटी वाला सम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये डेंसिटी वाला सम। तो ये क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग। नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर, तो जेड कितना रहेगा? 2। ये 3.5 है। 1.5 ओ सॉरी 1.5 नियोबियम तो बीसीसी है, तो therefore Z is 2। The density दिया, देखो मैंने बोला ना सेंटीमीटर क्यूब में देते हैं, तो density is given as 8.55 grams per centimeter cube, ठीक है। And length of unit edge length, unit cell edge is 330.6 picometer। ये क्या दिया है? A, A का value 330.6 पिकोमीटर। तो सेंटीमीटर में मैं कैसे लिखूंगा इसको? (3:30.6×10^-10)। हाँ, या 3.306×10^-8। अभी बोला ना बेटा? हाँ सर। और बेटा अभी मैं इसका क्यूब भी पहले निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना फॉर्मूला में इसका क्यूब आता है, तो मैं पहले ही क्यूब निकाल लेता हूं। तो मुझे पता है इट इज गोइंग टू बी एंटी लॉग ऑफ 3 × log 3.306 × 10^-24 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी तो सॉर्टेड था ना, समझ रहे हो? हाँ सर। इसका लॉग, इसका लॉग से आंसर निकालेंगे, तो लॉग 3.306 कम्स आउट टू बी 0.519 इनटू 3 करना, तो ये हो गया 1.5579, तो एंटी लॉग ऑफ 1.5579 अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा तुमको क्या लगता है इसका? देखो ना, 3 point something था ना, 3 का क्यूब रूट 27 होता है, so this will be more than 27. Yes, more than 27. अब तुमको anti log निकालना है इसका. 710 हो गया. Anti log of 1.5579. तो आया आंसर 36.13. तो 36.13 × 10^-24 सेंटीमीटर क्यूब. मैं इसको कैसे लिखना पसंद करूंगा?
3.613 × 10⁻²³ सेंटीमीटर क्यूब. ऑल सॉर्टेड. अभी हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम्स ऑफ नियोबियम. तो ये मेरे को पता है, थोड़ा अजीब चीज पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है. तो जैसे बुक में दिया है वैसे मत करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो. देखो हम डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैंने लिखा तो दैट इज नथिंग बट जेड इंटू अटोमिक मास अपॉन अवोगाड्रो, ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर. बराबर कि नहीं? यस सर. यस देखो sir. तुमको डेंसिटी दिया है, तुमको जेड भी दिया है, तुमको ए क्यूब भी दिया है, तुमको अवोगाड्रो नंबर पता है. What you don't know is atomic mass. हालांकि atomic mass पूछा नहीं है, how many atoms पूछा है, लेकिन मैं atomic mass से how many atoms ढूंढ सकता हूँ. तो सबसे पहले ना मैं atomic mass निकालूंगा. ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे ये पूछा गया होता है ना, तो उसमें atomic mass निकालने का. तो मैं atomic mass निकालूंगा तो वो जाएगा density into a cube into Avogadro's number upon z. तो density दिया है 8.55. A क्यूब आया 3.613, वो 10⁻²³ कट जाएगा एंड दिस विल बी 6.022 अपॉन 2. तो ये BCC था. तो एटॉमिक मास इसको मल्टीप्लाई करो, देखते आंसर क्या आता है. 8.55 इंटू 3.613 इंटू 3.011, मैं डिवाइड कर दिया है पहले. फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 93 ग्राम्स पर मोल. क्या बोलते हो? 93 ग्राम्स पर मोल फाइनल आंसर आया. अभी तुमको क्या पूछा है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम्स ऑफ नियोबियम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इसका मतलब 93 ग्राम्स ऑफ नियोबियम हैज 1 मोल ऑफ नियोबियम. मतलब 93 ग्राम्स ऑफ नियोबियम हैज 6.022 इंटू 10⁻²³ एटम्स ऑफ नियोबियम. राइट और नॉट? यस सर. यस सर. तो 0.5 ग्राम्स ऑफ नियोबियम में कितना होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻²³ इंटू 0.5 अपॉन 93. समझ में आया क्या किया? हाँ सर. तो 6.022 into 0.5 will be 3.011 divided by 93. तो answer will come out to be 3.24 into 10⁻². तो मैं इधर continue करके लिख रहा हूँ. 3.21 into 10⁻²⁰ atoms of niobium in kitna grams? In 0.5 grams of niobium. To samajh mein aaya isko kaise karte hain? Textbook mein thoda alag tarike se kiya hai. Acha, abhi unit cell bhi pucha hai. Unit cell kaise dhoondoge? BCC diya hai na? So in one unit cell there are 2 atoms. So 3.21 into 10⁻²⁰ atoms will be there in x unit cells. Hai ki nahi? Yes sir. So dekho isko is tarike se karna hai. 1.605 into 10⁻²⁰ units. समझ आया ये? अच्छा बाकी के देख लेते थोड़े. ये था, ये तो काफी सिंपल है. अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स सी एंड डी क्रिस्टलाइजेस इन एससीसी स्ट्रक्चर. एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड एटम्स ऑफ डी आर एट द सेंटर ऑफ द फेजेस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो एससीसी का क्या रहता है अरेंजमेंट? एससीसी का अरेंजमेंट रहता है देयर आर
8 atoms in the corners. Each contributing. Bolo zara. Kitna contribute karta hai wo? 1/8. 1/8 part to the unit cell. और ये कौन कर रहा है? C की D. अपने ये कंपाउंड में कौन कर रहा है? ये C की D. बोलो ना, क्वेश्चन में तो लिखा है, कॉल नहीं की हो क्या? हेलो, ये डिस्कशन चल रहा है पूरा, स्पून फीडिंग नहीं चल रहा है. पूरा का पूरा चीज है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उधर. ये सी ए की डी है? सी है. तो सी. बोलो फिर, दैट इज एटम सी. तो ये कितने एटम हुए टोटल? नंबर में कितने होंगे? 8 एटम्स ईच कंट्रीब्यूटिंग 1/8 पार्ट. तो टोटल कितने एटम हुए? 1 एटम. One atom. And then there are 6 atoms in the faces, na? Yes. Or each contribute kitna karta hai? Each contributing? 1/2. Each contributing half to the unit cell. So ye atom D hua. So this will be 6 into 1/2. That will be 3 atoms. So it is going to be CD3. Barabar na? Ye 3 aur ye 1 aur ye 3. Simple hai? Yes. Nahi. इसका बताओ. अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी. द एटम्स ऑफ बी ऑक्यूपाई द क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर. द एटम ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ये देखो, ये मैंने तुमको बताया है कि लेट से नंबर ऑफ बी, दैट इज अनायन, नंबर ऑफ बी इन द यूनिट सेल, इसको हम ऐसे ही कंसिडर कर देंगे. लेट से देर आर एन नंबर ऑफ बीज इन द यूनिट सेल. तो इफ देर आर एन नंबर ऑफ बीज, देन हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इट इज गोइंग टू हैव एंड हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स इट इज गोइंग टू हैव? ऑक्टाहेड्रल विल बी एन एंड टेट्राहेड्रल विल बी 2n. सो यू हैव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2n. लेकिन क्या सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में ए भरा है? नहीं. तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ? इट इज प्रेजेंट इन 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. तो 1/3 इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n. तो दिस इज 2/3n. सो देयरफॉर ए इज टू बी का रेशियो क्या आएगा? 2/3n इज टू एन. तो फॉर्मूला आ गया ए टू बी थ्री. Yes, yes, sir. गलती हो गया. Sorry. कोई बात नहीं. अभी इसका क्या? ये भी सेम ही क्वेश्चन है. सेम ही आ गया. ये भी सेम ही आ गया. ठीक है. ये समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. अच्छा. ग्रीन केमिस्ट्री में किसी क्वेश्चन में डाउट है, सब कुछ तुमको नोट्स में मिल जाएगा एकदम प्रॉपरली. वो डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं टेक्स्ट बुक से. ये रट्टा मारने वाला चैप्टर है, बहुत ही प्रॉपरली दिया है. ग्रीन केमिस्ट्री हर चीज, काफी रिसर्च होता है इसके ऊपर. तुम लोगों को बोरिंग लगता होगा ये चैप्टर, है मेरे को भी बोरिंग ही लगता है चैप्टर, बट हाँ ये रिसर्च का काफी बेटर, मतलब हर चीज को हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री के तौर पर करने का ट्राई करते हैं. जो चीज सस्टेन हो, लंबे टाइम तक चले, वैसे सारी चीजें.
तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर वो ऊपर का पार्ट निकाला हुआ पार्ट है ना, डेरिवेटिव पार्ट है? हाँ बेटा, वो ऊपर का पार्ट निकाला हुआ पार्ट है। अगर तू अब हमारा नोट देखेगा ना बेटा, तो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूड किया है नोट में, और अभी ये क्वेश्चन देखेगा ना, तो जो निकाला वाला पार्ट है ना, वो मैंने निकाल दिया है। अभी क्या है मालूम बेटा, तू इसमें से यही पॉइंट्स पढ़ एग्जाम्स के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी, क्योंकि ये वैसे भी ज्यादा टाइम तक दिमाग में रहने नहीं वाला है, बहुत रट्टा मार। ये है ईवीएस है, बेसिक नॉलेज जैसा रहता ना, पॉल्यूशन वॉल्यूशन पढ़ा था तुम लोग ने, तो उसकी जैसा है ये। तो जो भी इलस्ट्रेशंस वगैरह, जो भी एग्जांपल्स वगैरह दिए है, वो याद रखना जरूरी है। कुछ और पूछना है तुम लोगों को? अबे बोलो ना। नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो अच्छे से दो। ये ग्रीन केमिस्ट्री रट्टा मारने वाला चैप्टर है, छोड़ो मत। सीधे को 15 क्वेश्चन दिया है, आंखें घुमा लो। इनमें से बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल सिंपल ही है, आंखें घुमा लो, एक दो बार रीड कर लोगे तो आ जाएगा। समझ रहे हो? ओके सर। ठीक है, बाय बाय सर। Bye. Bye.